दिल्ली भवाना उपचुनाव में जीत के जोश में सीएम केजरीवाल बीजेपी को सुनाई खरी खोटी। केजरीवाल ने दिल्ली नगर निगम चुनाव और रजौरी गार्डन के उपचुनाव में मिली हार के बाद लंबे अरसों से चुप्पी साध रखी थी, लेकिन भवाना की जीत के बाद उसके हमलावर तेवर फिर से नजर आने लगे हैं। दिल्ली की भवाना विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हौसले बुलंद हो गए हैं। आपके उम्मीदवार रामचंद्र ने बीजेपी के दल बदल उम्मीदवार वेद प्रकाश को 24,000 वोटों से हराया। इस जीत के जोश में आए केजरीवाल ने बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुनाई। नतीजा आने के बाद केजरीवाल ने कहा कि जनता ने बीजेपी में गए वेद प्रकाश को सबक सिखा दिया है। केजरीवाल ने कहा कि आपके विधायक अलग मिट्टी के बने हैं, जो बिकेगा उन्हें जनता सबक सिखाएगी। केजरीवाल ने यह दावा भी कर दिया कि यह जीत VVPAT वाली EVM मशीन की वजह से मिली है। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी में दम है तो सारे चुनाव VVPAT वाली मशीनों से कराकर देख। केजरीवाल ने ये आरोप भी लगाया कि दिल्ली में बीजेपी के लोग उनकी सरकार के काम का सहरा अपने सर बांधने की कोशिश करते हैं, और बोला कि मैंने ऑर्डर करके सड़क बनवाई थी, लेकिन बीजेपी वाले घर घर जाकर कहने लगे मोदी जी ने बनवाई है। VVPAT का मतलब वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेवल, यह EVM मशीनों के साथ लगाया जाने वाला एक खास सिस्टम है। VVPAT के लेंस EVM से वोट डालने वाले मतदाता को 7 सेकंड के लिए कागज की एक पर्ची दिखाई देती है, जिस पर वोटर देख सकता है कि उसके उम्मीदवार के खाते में गई है या नहीं। इसके बाद यह पर्ची EVM के साथ लगे एक सील बंद डब्बे में गिर जाती है। VVPAT वाली EVM मशीन को ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। ये थी SM न्यूज रिपोर्ट।